ਅੱਜ ਹੀ ਡਾਊਟਨੈਟ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਡਾਊਟਨੈਟ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮੈਥ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ, ਉਸਨੂੰ ਕ੍ਰੋਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵੀਡੀਓ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਓ। ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਾਊਟਨੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। हेलो एवरीवन, आज आप करेंगे कमर्शियली अवेलेबल एच सी एल कंटेन्स 38% एच सी एल बाई मास। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इफ द डेंसिटी इज 1.19 ग्राम पर ml। सो आप मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। अपने को डेंसिटी गिवन है 1.19 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अपने को कितना गिवन है एच सी एल, दैट इज 38% एच सी एल बाई मास गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं। सो सब तो पहले आप देखेंगे मोलैरिटी का फॉर्मूला क्यों। सो मोलैरिटी आप कैपिटल एम ना डिनोट करते हैं। सो कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मीन्स मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स of solute, okay, divided by volume of solution in liters। किया हुआ divide which volume of solution in liters। so लिखांगे volume of solution in liters, ठीक है। सो हुण देखो अपने को 100, अपने को 38% एच सी एल गिवन है, मतलब मास किन्ना गिवन है अपने को एच सी एल का 38 ग्राम गिवन है, क्योंकि 38% है मतलब कितना हो गया 38 ग्राम हो गया। सो अपने को फिर ओवरऑल सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 100 ग्राम्स, ठीक है। अपने को मास हो गया ये एच सी एल का। अगर अपन सॉल्यूशन के मास की गल करिए तो अपने को वो कितना हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा अपने को फिर 100 ग्राम्स, फाइन। सो हूँ अगे देखो अपन नंबर ऑफ मोल्स कटा, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कहते मास इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास। सो अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आ गए, 38 ग्राम मास आ गया। मोलर मास का अपन को क्या आ गया, एच सी एल का, ठीक है। सो एच सी एल का क्लोरीन अपने को कितना 35.5, हाइड्रोजन का कितना 1, ठीक है। 35.5 प्लस 1 कितना हो गया अपने को 36.5 हो गया मोलर मास, अपने को हो गया मोलर मास। सो कितना हो गया 36.5, ओके। सो हम अगे देखो हम अपने को 36.5 इतने आ गया, इतने पुट कर देंगे अपने को कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.04 मोल। सो अपने को नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 1.04 मोल, ठीक है। हम आप अगे अपने को वॉल्यूम अपने को नहीं है, सो वॉल्यूम आप कढ़ना है, ठीक है। सो डेंसिटी कितने को होंगी अपने को, मास अपॉन वॉल्यूम, अपने को वॉल्यूम कढ़न वाला है, डेंसिटी अपने को गिवन है। सो डेंसिटी कितने को होगी, मास अपॉन डेंसिटी, ओके। सो देखो मास कितना है अपने को 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.19 ग्राम पर ml, ठीक है। सो वॉल्यूम अपने को कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 84 ml। कितना आ गया ये 84 ml। अगर मैं 84 ml को किस कन्वर्ट करा लीटर के, अपने को कितना आ जाऊगा, 0. देखो 0.0, राइट, 0.084 लीटर, राइट। सो मैं मोलैरिटी के फॉर्मूले से पुट कर दूंगी। सो नंबर ऑफ मोल्स मेरे को कितने आए, 1.04 मोल, तो वॉल्यूम कितना आया 0. देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैगे इधर अपने को, दैट इज इक्वल टू 1.04, इसलिए लिख देंगे 1.04। वॉल्यूम कितना आया अपने को 0.084, ठीक है। कितना आ गया अपने को, दैट इज इक्वल टू 12.4 मोल पर लीटर, ओके 12.4 मोल पर लीटर। तो अपन मोल पर लीटर इतने मोलैरिटी लिख देने 12.4 मोलर, इतने मोल पर लीटर की लिख देंगे मोलर कैपिटल एम, ठीक है। मतलब की है 12.4 मोलर, ठीक है। तो देखो फिर और पाके लिख देने 12.4 मोलर। सो दिस इज द आंसर, ओके।